ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। आदमी की छोटी सी हरकत से भी पता चल जाता है, जरा सी भी हरकत समझ में आती है मुझे। क्या तुमने उस जर्नलिस्ट को मारा था? मैं कोई एबनॉर्मल नहीं हूँ प्रकाश, मैं बिल्कुल अकेली रहना चाहती हूँ।
संध्या भटनागर जी। संध्या जी, मैं एक पत्रकार बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरव्यू करना है। जी हाँ, ठीक है, तो आप कल सुबह 9 बजे। नहीं, नहीं मैडम, प्लीज, कल सुबह बहुत देर हो जाएगी, मेरी डेडलाइन है। डेडलाइन है? जी हाँ। और आज ही करना होगा? जी। देखिए मिस्टर प्रकाश। हाँ मिस्टर प्रकाश, मुझे लगता है कि आपको किसी फिल्म स्टार का वक्त नहीं मिला, तो एक राइटर को। नहीं मैडम, ये बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। और क्या बात हो सकती है? देखिए आप ऐसा, ये साफ है कि मैं आपकी चॉइस नहीं, मजबूरी हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम, आप देखिए, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। नहीं मैम, हम लोग फिल्म स्टार्स में दिलचस्पी रखते ही नहीं मैम, आप समझ नहीं रही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, कि आपकी मैगजीन फिल्म स्टार्स का इंटरव्यू नहीं छापती? एग्जैक्टली, हम सिर्फ आर्ट और साहित्य पर लिखते हैं। ओह, आर्ट और साहित्य पर? जी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आप जरा जल्दी आ जाइएगा। ओके, थैंक यू मैम। मैं लंच के बाद किसी से नहीं मिलती। यस मैम। एंड प्लीज मेक इट इन 20 मिनट्स। बस आता हूं मैम, आई बी राइट देयर मैम।
प्रकाश जी आइए अंदर आइए। हाँ जी। और जूते रहने दीजिए, चौंकिए मत, हम अंधों के कान ही उनकी आंखें हो जाती है। आदमी की छोटी सी हरकत से भी पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा होगा। आइए अंदर आइए। थैंक यू मैम। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। जी बहुत अच्छा। वैसे किस किस्म का इंटरव्यू लेना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहूंगा कि आप अकेली इतनी दूर कैसे मैनेज कर लेती हूँ। जी अंधी होने के बावजूद। जी कुछ खास दिक्कत नहीं होती, पैदल चलो तो मार्केट यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है, मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है, लौटती हूँ तो विक्टोरिया या रिक्शा लेकर सारा दिन लिखते लिखते कट जाता है। मगर इतने बड़े घर की देखभाल कैसे? एक नौकरानी है जो सुबह आती और काम करके चली जाती है, एक माली है जो वॉचमैन का काम भी करता है, आज छुट्टी पर है। इतने बड़े घर में सिर्फ दो ही नौकर? काफी है, ज्यादा नौकर रखो तो उन पर नजर रखनी पड़ती है, और ये काम मैं तो नहीं कर सकती ना प्रकाश। और वैसे भी आई लव सॉलिट्यूड, तन्हाई पसंद है मुझे। शादी का कुछ? मिस्टर प्रकाश प्लीज, आपने कहा था कि आप एक सीरियस किस्म के मैगजीन से आते हैं, नो पर्सनल क्वेश्चंस। आई एम सॉरी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। संध्या जी, जाहिर है कि आप अपनी कहानियां ब्रेल में लिखती होंगी, अगर आपका ब्रेल में लिखा हुआ कोई पन्ना मिल जाए हमें, मैं वो भी छापना चाहूंगा वाचकों के लिए, हिंदी अनुवाद के साथ ऑफ कोर्स। ओ बहुत अच्छा आइडिया है, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरी ब्रेल की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स मेरे पब्लिकेशंस के पास है, और जो किताब छपी नहीं है उनमें से कोई पन्ना मैं आपको दे नहीं सकती। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको एक मिनट प्रकाश, एक मिनट मैं देखती हूं।
बुरा मत मानना प्रकाश। I don't like you standing behind me. I'm really sorry. कोई भी कलाकार हो, पेंटर हो या स्कल्प्टर, किसी को भी अपनी आधी अधूरी कलाकृति दिखाना पसंद नहीं करता। I'm really sorry, ma'am. मैं ब्रेल का टैबलेट पहली बार देखा, इसलिए शायद इसीलिए। ये लो। थैंक यू। क्या मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर सकता हूँ? आपको ब्रेल आती है? जी हाँ, थोड़ी बहुत। बम्बे में एक अंधा वायलिनिस्ट मेरा दोस्त था, उससे मैं कुछ दिन सीख रहा था। तो पढ़िए ना। कभी कहीं आप ब्रेल को नजरों से पढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, मैं कुछ ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ। प्रकाश, क्या कभी हिंदुस्तानी खाने का मजा काटे और चम्मच से खाकर आ सकता है? उसका असली स्वाद चखने के लिए हाथ से ही खाना पड़ता है। ब्रेल के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। ब्रेल नजरों से नहीं, उंगलियों से महसूस करने की भाषा है। शब्द जब तुम्हें वाकई स्पर्श करते हैं, सीधे दिल को छू जाते हैं। शब्दों के स्पर्श का आनंद ही कुछ और है। लाइए, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। कभी मेरी हसरतों को जगाती थी ये बारिश, कभी मेरी आदतों को दोहराती थी ये बारिश, रातों में हंसी ख्वाबों सी आती थी ये बारिश, आज मुझसे ही मुझको डराती है ये बारिश। ये दर्द बड़ा बेदर्दी, इस दर्द ने तोड़ा दिल को। कभी मेरे तन को गुदगुदाती थी ये बारिश, कभी मेरे मन को लुभाती थी ये बारिश, कभी प्यार दिल में जगाती थी ये बारिश, आज मुझसे ही मुझको डराती है ये बारिश। बारिश कागज की कश्ती बहाती थी ये बारिश, माँ की डांट सुनाती थी ये बारिश,
आज मुझसे ही मुझको डराती है ये बारिश। अभी अभी रची आपने कविता? मैंने पूछा आपने अभी भी रची है कविता? नहीं नहीं, बहुत पहले लिखी थी, पता नहीं कैसे याद आ गई। पढ़ते वक्त, टाइप करते वक्त क्यों याद आ गई ये कविता? अगर आप बनाना माने तो मैं आपसे बात पूछ सकता हूँ? पूछिए ना। क्या इस कविता में कोई पर्सनल बात छिपी है जिस कारण से बारिश से आपको कुछ खास? अरे मैंने तो आपको चाय के लिए भी नहीं पूछा। आप चाय पियेंगे या कॉफी? फिलहाल तो मैं इस कविता के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं कॉफी लेकर। संभालिए। कॉफी लेकर। संदीप जी, are you okay? आप ठीक है ना? I'm okay. प्रकाश, आपके पीछे 5 कदम पर एक अलमारी है, उसमें एस्ट्रे रखा हुआ है। आप ड्रिंक भी करती हैं क्या? नहीं, कभी कभार किसी पब्लिशर को ऑफर करनी पड़ती है। I see. और यहाँ से थोड़ी ही दूर एक रिटायर्ड कर्नल रहते हैं, वो भी आ जाते हैं कभी कभी अपनी वाइफ के साथ, यू नो, फैमिली फ्रेंड्स। और उनकी वाइफ ने ही ये घर सजाया है, शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर।
तो क्या पूछना चाहते थे आप? कभी मेरी हसरतों को जगाती थी ये बारिश, इस कविता के बारे में। चीनी कितनी लेंगे आप? मैंने पूछा चीनी कितनी लेंगे। मैम मैं मैं मैनेज कर लूंगी। मैं दूसरा चम्मच लेकर आती हूँ। नो, इट्स ओके मैम। नहीं, वैसे भी बहुत धूल जम जाती है यहाँ पर। डोंट वरी, मैं दूसरा चम्मच लेकर आती हूँ। संध्या जी, तो आया हूं यहां पर। It's as simple as that. तो आप ऐसे नहीं मानेंगे? संध्या जी, believe me, मैं आपके साथ ऐसा। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे? नहीं संध्या जी, मेरा अगला सवाल। कभी मेरी हसरतों को गोली तुम्हारे कान के पास से चलाई थी। अगली बार उस कविता का जिक्र किया तो ट्रिगर दब सकता है और निशाना तुम बन सकते हो। बातें करो मुझसे। क्या क्या बातें करूं? तुमने मेरी किताब पढ़ी है? कौन सी? स्पर्श। हाँ हाँ हाँ,
पढ़िए। उसके बारे में बातें करूं। स्पर्श एक 14 वर्षीय अंधे युवती की कहानी है जो अपनी सेक्सुअलिटी से डील नहीं कर पाती। या। खोलो इसे। पेज नंबर 32। जल्दी। यस। अब पढ़ो। जी जी। लाउडली एंड क्लियरली ताकि मुझे सुनाई दे। जी जी। रीना की एक अजीब आदत थी, वो बाथरूम में घंटों तक नहाती रहती थी रोज। Not the gun. ठीक है, तुम बंदूक रख लो और गोलियां मुझे दे दो। Isn't that fair? ठीक है, मैं एक के बाद एक गोलियां रोल करूंगा। हर गोली के साथ एक सवाल आएगा, उस सवाल के सही जवाब के साथ दूसरी गोली और फिर दूसरा सवाल। और अगर मुझे जरा भी लगा कि तुमने जवाब गलत दिया तो मैं गोली वापस लोड करूंगा बंदूक में और फिर तुम जानते हो ना मैं क्या करूंगा। समझ रही हो ना? ठीक है। क्या तुमने उस जर्नलिस्ट को मारा था? अफसोस हुआ तुम्हें इस बात का?
नहीं। क्या इससे पहले कभी कोशिश करी किसी को मारने की? हाँ? नहीं। अगर फिर से मौका मिले तो फिर से करोगी ऐसा? हाँ। गोली तुम्हारे सामने ही है। गुड, मतलब जान से मार डालोगे उसे, खून कर दोगे उसका? हाँ, जान से मार दूंगी। अब बताओ मेरे साथ क्या करना चाहती थी? अब तक नहीं समझे प्रकाश, मुझे यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास आओ प्रकाश, डरो नहीं, कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती प्रकाश, प्लीज मिले मी। देखो वक्त जाया मत करो प्रकाश, तुम्हें मेरे बारे में जानना है, लिखना है, इंटरव्यू की डेडलाइन है तुम्हारी। इस तरह दूर बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा प्रकाश? क्या चाहती हो मुझसे? तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे प्रकाश? पूछो। मैं तुम्हें कैसी लगती हूं प्रकाश? मैं सुंदर हूं ना? बोलो ना प्रकाश, मैं सुंदर हूं ना? हाँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम अभी तक नहीं समझे प्रकाश, मैंने तुम्हें स्पर्श के बारे में बात करने के लिए क्यों कहा? इसलिए कि स्पर्श 14 वर्षीय रीना की कहानी है, उसकी सेक्सुअलिटी की खोज है। जानते हो प्रकाश, मैं आज भी उसी 14 वर्षीय रीना की तरह अपने खुद की सेक्सुअलिटी से अपरिचित हूं। मेरे जीवन में कोई शेखर नहीं आया, सपनों में भी नहीं। लेट मी होल्ड यू प्रकाश। खूबसूरत हो प्रकाश, क्या तुम मेरे शिखर बन सकते हो? प्लीज मेरे शिखर बनो प्रकाश, होल्ड मी प्रकाश, किस मी प्रकाश, किस मी प्रकाश, किस मी प्रकाश। तुम्हारी प्रॉब्लम में समझता हूँ संध्या, तुम एक सेक्स मेनिया को और कुछ नहीं। नहीं, ये सब झूठ है। यही सच है, यही सच है। और तुमने इस पत्रकार को इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारी मांगे पूरी नहीं कर रहा था। वो बेचारा शरीफ था, तुम्हें चांटा भी नहीं मार सका मेरी तरह। तुम बस एक अबनॉर्मल मैड एक्सेंट्रिक सेक्स मेनिया को औरत हो और कुछ नहीं। प्लीज प्रकाश, प्लीज मेरी बात सुनो प्रकाश, प्रकाश मैं कोई अबनॉर्मल नहीं हूँ प्रकाश, कोई
सिक्स मिनट नहीं हो। जिस जर्नलिस्ट को मैंने मारा था वो कोई शरीफ वरीफ नहीं था प्रकाश, जैसा तुम समझते हो। उसने मेरे अंधेपन का फायदा उठाकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। इसीलिए मैंने उसे मारा प्रकाश, इसीलिए मैंने उसे मारा प्रकाश। मैं किसी अजनबी पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? और तुम भी तो मेरे लिए अजनबी ही थे ना। I am really sorry. It's okay. I'm really sorry. प्रकाश, क्या तुम मुझे 10 मिनट दे सकते हो? हाँ। मैं जरा अकेली रहना चाहती हूँ। मैं कहीं हूँ क्या आता हूँ? नहीं, तुम यहीं रहो, मैं गार्डन में टहल कर आती हूँ। तुम चाहो तो म्यूजिक सुन सकते हो। एंड यू कैन हेल्प योरसेल्फ विद सम विस्की। नो, आई डोंट ड्रिंक, मैं म्यूजिक प्रेफर करूंगा। प्लीज यूज द हेडफोन्स। यस, मैं बिल्कुल अकेली रहना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी। What is the bloody combination, Sandhya? What is the combination? What? 72! 5! 72! Hang on! Sandhya! Sandhya!
संध्या, ओह माय गॉड, संध्या, संध्या, वो बारिश, वो बारिश, बारिश रुक चुकी है, अब घबराने कोई बात नहीं, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स. तुम्हारे बाल मैंने ही सुखाए. तुमने? तुम्हारा सारा बदन ठंडा पड़ गया था. तुम्हारे कपड़े बदलना भी जरूरी था. लीजिए आपका तौलिया और कुर्ता. कपड़े बदल लीजिए नहीं तो सर्दी लग जाएगी. थैंक यू प्रकाश, थैंक यू.
बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। क्या चिल्ला रही तुम? चला जाओ। चले जाओ। इसे पहचानती हो? हाँ? तुम्हें ये रखा था ना कुर्सी के नीचे? जानती हो ना कितना तेज है? हैं? तुम चाहते क्या हो? सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू। ये क्या तरीका है? चाकू हटाओ। चाकू हटाओ। ओके, हटा दिया। ओके। ये क्या बदतमीजी है? इसमें कोई बदतमीजी नहीं है संध्या। सोचा तुम्हारा एक अलग से जगह पे इंटरव्यू लूं। तुम जानते हो मैंने बाथरूम क्यों चुना? क्योंकि बाथरूम एक ऐसी जगह है जहां इंसान पूरी तरह से नंगा हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? समझ जाओगे, सब समझ जाओगे, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम नहाती कैसे हो? अरे तुम नहाती कैसे हो? शावर के नीचे या बाथरूम में तुम नहाती कैसे हो? बाथरूम में हमेशा? शावर के नीचे कभी नहीं? कभी नहीं। क्यों? कभी नहीं। क्यों नहीं नहाती शावर के नीचे? अरे क्यों नहीं नहाती शावर के नीचे? डर लगता है। डर लगता है। क्यों 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 डर लगता है बाबा? अरे क्यों डर लगता है बताना? अरे क्यों डर लगता है? मैं नहीं बताऊंगी। किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे तो बताना पड़ेगा ना तुझे। मुझे तो बताना पड़ेगा ना। अरे क्यों डर लगता है? बारिश। क्या? बारिश की याद आती है। बारिश की याद। किस बात का डर लगता है? किस मतलब डर लगता है? पानी की आवाज से, बदन पे गिरते फवारे से? क्या चुपता बदन को लगता है दर्द होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? बताओ क्या क्या होता है? Please stop it. छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। Quiet, huh? Quiet. Leave me alone. Quiet. ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी।
कुछ तो डर निकल गया कॉमन से, कुछ कम तो हुआ होगा। देखो संध्या, तुम सोच रहे होगी कि मैंने ये सब किस लिए किया। यहां आने से पहले मैं तुम्हारे ब्लाइंड होम गया था और वहीं तुम्हारे इस डर का पता चला। अब ये डर किस वजह से है और क्या कनेक्शन है ये तुम नहीं जान पाया। संध्या, मैं तुम्हारे इस किस्म के डर से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। मेरा एक दोस्त था जिसे बंद कमरों से डर लगता था, उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। उसका वो डर बचपन में हुई एक भयानक घटना से जुड़ा हुआ था जो बंद कमरे में घटी थी, और उस दोस्त का इलाज भी कुछ ऐसी तकनीकों से किया गया था जो मैंने तुम पर अपनाई। संध्या, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं और साइकियाट्रिस्ट? हाँ, एक साइकियाट्रिस्ट भी और तुम्हारा फैन भी। तुम इन दोनों में से किसी को नहीं मिलती संध्या, इसलिए मुझे पत्रकार बनकर यहां आना पड़ा। तुम्हें बुरा तो लगा होगा संध्या, मगर बिलीव मी, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और कुछ नहीं। क्यों? एक फैन की हैसियत से जो खुश किस्मती से एक साइकेट्रिस्ट भी है। कुछ नहीं कर पाओगे, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। देखो संध्या, दिमागी बीमारियों को अगर वक्त पर ठीक ना किया जाए तो आगे चल के बहुत तकलीफ हो सकती है। मुझे बताओ संध्या, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं जानता तुम्हें बहुत तकलीफ होगी संध्या, मगर तुम्हें बोलना होगा संध्या, अपने अच्छे के लिए बोलना होगा। मुझे एक साइकेट्रिस्ट नहीं है, एक दो समझ के बोलो संध्या, मगर बोलो प्लीज, बोलो। पैदाइश अंधी रही हूं मैं, और मां बाप की इकलौती बेटी। बाप का प्यार क्या है ये पता चलने से पहले ही पिताजी चल बसे। मां ने घर की जिम्मेदारी और बेटी का बोझ बखूबी से निभाया, लेकिन बेचारी औरत और कितने दिन निभाती। मैं 12 साल की थी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मेरा सौतेला बाप शराबी निकला, उसका रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ था। वो मां से भी पैसे ऐंठने लगा। अरे तूने तो बोले थे पैसे नहीं है, फिर कहाँ से आए मेरे बच्चे की पढ़ाई के पैसे? अरे मेरे दारू के नहीं, मेरे दूध के पैसे। अरे मेरे दारू के पैसे, ये मेरे बच्चे की पढ़ाई के पैसे। क्या पढ़ेगी साली, मेरे दारू के पैसे। इन दुखों से माँ को कोई छुटकारा नहीं था सिवाय मौत। इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद इतने साल उस आदमी के साथ कैसे बिताए मुझे मालूम नहीं। जितनी देर वो घर पर नहीं रहता उतनी देर सुकून। वक्त बिताने के लिए मैंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया। दिन भर कहानियां लिखती और रात को उसकी घिनौनी गालियां सुनती। कई बार मन किया कि मैं वहां से भाग जाऊं,
मगर हिम्मत नहीं जुटा पाई। जुटा पाई होती तो ना ही वो बरसात होती और ना ही कौन तेरे बाप का दोस्त, उसने बताया नहीं क्या माने वाले हैं? हाँ बताया तो दरवाजा खोल। मैंने बोला था ना साहब, राजी हो जाएगी। उसकी बात का मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाई। वो दूसरा आदमी जिसे मेरे बाप का दोस्त साहब बोल रहा था, वो कुछ बात ही नहीं कर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे बहुत पास खड़ा है, इतने पास कि घुटन हो रही थी। मैं चाय बना के लाती हूँ। ए, चाय पीने का टाइम नहीं है साहब के पास। ए साहब, आप चालू करो, मैं बाजू के कमरे में बैठ के। चालू करो साहब। यहाँ क्यों आए हो? चाहते क्या हो? इससे पहले मैं चीख सकूं, चिल्ला सकूं, उसके क्या संध्या? उसके होंठ, उसके होंठों से उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं किसी तरह अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़वाकर दरवाजे की तरफ भाग गई। जाती है सोनी दाग। तेरे बाप ने सौदा किया था तेरा। चल, ऐसा सुपान देता हूँ तंगी फैला के, फिर खाना तंदूरी चिकन के मार दे। मेरा सदा मेरे साथी ले पाप नहीं किया था। उसी रात मैं पुलिस स्टेशन गई और उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई। मैंने कुछ नहीं किया। लड़की का सोचा क्या? मेरे पाप ने किया था। सारे कुत्ते, बेवड़ा सारा बोल 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 रे कायला बोल, इतने क्या बोल 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 क्या उठा इसको। साहब ये तो मर गया, इसको सुसाइड केस बना दे वरना बुरी तरह फंस जाएंगे। चल। केस उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया। एक वही था जो बता सकता था कि मुझ पर बलात्कार करने वाले लोग कौन थे। उसके बाद मैं ब्लाइंड होम चली गई। 3 महीनों बाद पता चला कि मैं पेट से हूं और वहां नहीं रह सकती। वहां की मैट्रिन ने चुपचाप अबॉर्शन करने की सलाह दी, लेकिन मैं बच्चा रखना चाहती थी। देखो, अगर तुम ये बच्चा रखना चाहती हो तो तुम्हें यहां से जाना होगा। ये जो पाप तुम्हारे पेट में पनप रहा है। माँ के पेट में कभी पाप नहीं पनपता मैडम। पाप पनपता है तो
उन मर्दों के गंदे खून में जिनके मुंह से पाप ये शब्द भी किसी गंदी काली की तरह लगता है। कुछ भी हो, तुम्हारा यह बच्चा नाजायज है। फिर भी मैं बच्चा रखूंगी। बलात्कार का बदला मैं अपने बच्चे के खून से नहीं ले सकती। बलात्कार की सजा जिसने बलात्कार किया उसको नहीं हो सकती, तो फिर मेरे बच्चे को क्यों? इस सवाल का मैट्रन के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद मैट्रन ने मुझे फिर से बुलाया और कहने लगी कि कैंपस में एक सोशल वर्कर आता है जो मुझसे शादी करना चाहता है। अविनाश नाम था उसका। मैट्रन ने उसे मेरे बारे में सब कुछ बताया, फिर भी वो मुझसे शादी करने के लिए राजी था। मुझे पता चला कि वो मेरे लिए ब्रेल भी सीख रहा है। उसने मुझे ब्रेल में खत भी लिखा जिसमें उसने कहा कि वो डिलीवरी तक मुझसे नहीं मिलेगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उससे मिलने से मैं बच्चा रखने का इरादा बदल दूं। इस बात पर बिना मिले मैं अविनाश को अपना दिल दे बैठी और उसकी आया के साथ उसके घर पर रहने लगी। आया ने डिलीवरी के दिन तक मेरी अच्छे से देखभाल की। फिर डिलीवरी के दिन थोड़ा जोर लगा, थोड़ा और। की कोई आवाज नहीं आई प्रकाश। क्या बात है डॉक्टर? मैं मेरा बेटा रो क्यों नहीं रहा? बेटा ही है ना या बेटी? डॉक्टर मेरा बेटा मेरे पास क्यों नहीं रखा जा रहा है? डॉक्टर क्या बात है डॉक्टर? मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था प्रकाश। और अविनाश? नहीं, नहीं, नहीं आया, कोई नहीं आया प्रकाश, कोई नहीं। ए, तूने सुना मैंने क्या कहा? सुना कि नहीं कलमोही, सुना कि नहीं? निकल यहाँ से, निकल जा। अविनाश देना, आप अपने मालिक से इस तरह कैसे बात करते हैं? मालिक, मालिक मेरा सर, पति है वो मेरा, पति, पति, हाँ हाँ पति। और कान खोल के सुन, तुझे यहाँ इसलिए लाया गया था कि तू हमें बच्चा दे सके, लेकिन हरामजादी तूने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब तू यहाँ रह के क्या करेगी? निकल यहाँ से, निकल, निकल! तेरे अंधेपन पे तरस खा के मेरा पति तुझे यहाँ लेकर आया और तू है कि बच्चा नहीं जन्म सकी? निकल यहाँ से, निकल जा, निकल जाओगी मैं ऐसे कैसे नहीं जाएगी? निकल यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथ आज तेरा खून हो जाएगा। निकल यहाँ से और अपनी मनहूस शक्ल फिर कभी मत दिखाना मुझे।
मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे मैं चुपचाप लौट आई और कर भी कह सकती थी मैं। ब्लाइंड होम पहुंच कर पता चला कि जिसे मैं मैट्रन समझती थी वो वहां नहीं है, असली मैट्रन तो कोई और ही थी। और यहां कभी कोई अविनाश नाम का सोशल वर्कर आया ही नहीं। जिंदगी से विश्वास उठ गया प्रकाश, विश्वास उठ गया। भागने लगी जिंदगी से, और शायद जिंदगी से भागने के लिए कहानियां लिखती गई और यहां तक आकर पहुंची। दिलों की आड़ ले ले, ऐ चांद कहीं जाके छुप जा। Will you dance with me? जैसे रीना और शेखर। ये सवाल पूछ कौन रहा है प्रकाश? एक दोस्त या एक साइकियाट्रिस्ट? सच पूछो तो दोनों में से कोई नहीं। तुम बस ये सोच लो कि तुम्हारी कहानी का शिखर ये सवाल उस रीना से पूछ रहा जो तुम्हारे अंदर है। रीना एक इच्छा का नाम है प्रकाश, और शेखर एक सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता। संध्या तुम अभी भी जिंदगी से भाग रही हो, अपनी ही किताबों में छुप रही हो तुम। वहां से बाहर आओ संध्या। जिंदगी सिर्फ बलात्कार करने वालों से, सौतेले बापों से या अविनाशों से नहीं भरी हुई। जिंदगी में भी अच्छे लोग हैं जो प्यार करने के काबिल हैं। संध्या, शेखर वास्तव में हो सकता है। संध्या, हो सकता है, इस बात को मान लो संध्या। नाउ विल यू डांस विद मी संध्या? प्रकाश, क्या तुम मेरे लिए उन लोगों को ढूंढ सकते हो जिन्होंने मेरे साथ? हाँ संध्या, मगर
बहुत मुश्किल है। कोशिश। हाँ कोशिश तो पक्का। थैंक्स प्रकाश। तो मुझे डांस के लिए पूछ रहे थे ना? छुप जा छुप जा, हवाओं के रुख बता रहे हैं, हवाओं के रुख बता रहे हैं, मेरा यार घर से है चल पड़ा। कितना समा है न जाने कहाँ दिल कहाँ है, अरमान कितने मचलने लगे, हर ख्वाब कितना जवां है। मुझे अब कोई बुला रहा है।
दिया? वही हो तुम! क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या हुआ संध्या? तुम्हें क्या हुआ संध्या? तुम्हारी गंदी सांस की बदबू! संध्या मेरी बात सुन! गंदी सांस की बदबू कभी नहीं भूल सकती! संध्या! यू रास्ते! चले जाओ! चले जाओ यहाँ से! मेरी बात सुन संध्या! मैं दूर रहूँ संध्या! मेरी बात सुन! चले जाओ! संध्या! दूर रहूँ मेरी बात सुन! चले जाओ! यानी मैं अब भी तुम्हारी सांसों में हूँ। चले जाओ। इतना मिस किया मुझे? चले अरे क्यों मुझे बार-बार बांध करने में मजबूर कर देती हो? बार-बार बांधो, बांधो। चुप, 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 चुप। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो। But believe me, संध्या, ये नफरत बहुत जल्दी प्यार में बदल जाएगी। हाँ, अरे चुप यार, चुप। भलता करूं फिर से? हाँ करूं। तो नहीं ना? हाँ then listen to me देखो मैं ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I really love you I swear I love you मालूम है जब से मैंने तुम्हारा उस रात बलात्कार किया कितने साल हो गए उस बात को मगर मुझे ऐसे याद है जैसे कि कल ही की बात। तो बाहर गिरती बारिश वो कॉट पे बंधा हुआ तुम्हारा नंगा मलमल सा बदन तुम जानती नहीं तुम कितनी सुंदर लग रही थी। शुरू में ना तुम बहुत चीखी चिल्लाई बहुत नखरे किए तुमने आ वू ई मगर फिर बाद में ना तुम चुप हो गई थी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ सेक्स एंजॉय करने लग गई थी। यही सच है तुम कबूल नहीं करोगी। देखो संध्या तुमने कभी जानवरों में सुना है कि बलात्कार हुआ जैसे कुछ है? सुना है? मालूम है क्यों? क्योंकि ये होता ही नहीं जबकि उनमें नर को हमेशा मादा पे जबरदस्ती करनी पड़ती है तब जाके मादा सेक्स एंजॉय करती है मगर एंजॉय करती है जैसे तुमने किया। प्लीज स्टॉप दिस प्लीज तुम यहाँ क्यों आए हो? बता दो तुम बस सुनती जाओ तुम्हें तुम्हारे बलात्कार करने वाले का पता तो चल गया हाँ? पर क्या तुम अविनाश का पता नहीं लगाना चाहोगी जिससे तुम कभी मिली ही नहीं? हाँ संध्या वो अविनाश भी मैं ही हूँ वो अविनाश भी मैं ही हूँ हाँ सच और मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए सिर्फ तुमसे और किसी से नहीं देखो मना मत करना देखो यही बात अगर तुम प्यार से करो तो कितनी अच्छी लगेगी तुम राजी हो जाओगी ना संध्या संध्या मुझे अपनी बीवी को साबित करने के लिए नपुंसक नहीं हूँ मैं हिजड़ा नहीं हूँ मैं चक्का नहीं हूँ तुम्हें मालूम है तुम्हें स्टिलबॉर्न में भी होने का दोष वो मुझे देती है मुझे बोलती है मुझ में खोट है तुम्हें ऐसा लगता है क्या नहीं तुम्हें लगता है क्या ऐसा देखो उसको छोड़ो तुम बस मुझे एक हट्टा कट्टा बच्चा दे दो देखो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक दरख्वास्त कर रहा हूँ प्लीज हाँ तुम्हारी खामोशी का मैं क्या मतलब समझू हाँ या ना अरे तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे सौतेले बाप को 1.5 लाख रुपए दिया और फिर तुम्हारे साथ जबरदस्ती सेक्स किया अपनी बहन को तुम्हारे पास मेटर बना के भेजा उसी ने बनाया अविनाश वाली कहानी बेचारी मान नहीं रही थी उसकी 1.5 साल का बच्चा मुझे अपने पास रखना पड़ा वो जानती मुझे अगर वो मेरा काम ना करती तो उसके बच्चे की मैं जान ले लेता तुम्हारी डिलीवरी तक
अपनी बीवी को भेजे तुम्हारी देखभाल के लिए। पत्रकार बनकर तुम्हारे पास आया मैं, साइकेट्रिस्ट बनकर तुम्हारा दर्द समझने की कोशिश की मैंने, ये सब तुमको दोबारा पाने के लिए, ये सब कुछ तुम्हें दोबारा पाने के लिए। I really love you, संध्या। और मुझे तुमसे बच्चा चाहिए। संध्या, दोगी ना? बताओ ना, दोगी ना? दोगी ना? बोलो ना संध्या, मुझे दोगी ना बच्चा? प्लीज संध्या। हाँ प्रकाश, दोगी ना? तुम ये बात मानोगे नहीं, मगर तुम ही मुझसे प्यार करती हो। ये तुम्हारे आंसू बोल रहे हैं जो मेरे लिए बह रहे हैं। अब तुम मेरे अंदर के किस व्यक्तित्व से प्यार करती हो, ये ना तुम कह सकती हो ना मैं। भले वो तुम्हें कॉट पर बांधकर जंगली जानवर की तरह लेने वाले अजनबी से, अविनाश से, पत्रकार से, साइकेट्रिस्ट से, या मेरे अंदर छिपे हुए शेखर से, मगर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू जस्ट गिव मी माई बेबी। तुम तैयार हो ना? प्रकाश, मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें कैसे? कहाँ करना चाहोगे? जहाँ तुम चाहो, जहाँ तुम चाहो। बेडरूम में? ओके ओके, एज यू से। एज यू से, एज यू। ढलने लगी शाम होने लगी है, देखो ये रातें जवान। ढलने लगी शाम होने लगी है, देखो ये रातें जवान। मेरे सामने तुम, तेरे सामने हम, फिर कैसी ये दूरियां। कर दो ना खुद को तुम मेरे हवाले सनम, रात के चारों पहर तुझे प्यार करेंगे हम, प्यार करेंगे हम। संदल सा महकता बदन, पागल यूं ही मैं तो होने लगा, बहकने लगा ये बदन। हद से गुजर जाने दो अब न रोको, तुमको है मेरी कसम। कर दो ना खुद को तुम मेरे हवाले सनम, रात के चारों पहर तुझे प्यार करेंगे हम, प्यार करेंगे हम। हे सांसों के तूफान को मेरी जान टकराने दो, बेखुदी कैसा नशा,
ये दिल तुझी पे फिदा कर दो ना खुद को तुम मेरे हवाले सनम रात के चारों पहर तुझे प्यार करेंगे हम प्यार करेंगे हम ढलने लगी शाम होने लगी है देखो ये रातें जवां मेरे सामने तुम तेरे सामने हम फिर कैसी ये दूरियां कर दो ना खुद को तुम मेरे हवाले सनम रात के मैं 201 से संध्या भटनागर बोल रही हूँ ग्रेनेकस 201 से मेरे हाथों से एक राक्षस का खून You bloody bitch! साबित करना कि मैं नामर Thank you.
स्मार्ट, वेरी स्मार्ट संध्या। मैं जानता हूं अंधेरा तुम्हारा साम्राज्य है, मगर तुम शायद भूल रही हो मेरे पास एक माचिस है जिसमें अभी दो तीलियां बाकी हैं, काफी हैं तुम्हें ढूंढने के लिए। और अगर ये भी खत्म हो गई तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा सुबह होने तक, बिकॉज आई लव यू संध्या, आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच संध्या, आई रियली लव यू सो मच। नॉट टू वरी, नॉट टू वरी बेबी, अभी भी एक तीली बाकी है मेरे पास, शायद बंदूक की आखिरी गोली से ज्यादा कीमती, तुम्हें मैं ढूंढ निकालूंगा। कितनी अजीब प्रेम कहानी है ना हमारी, कितनी अजीब प्रेम कहानी है हमारी। खैर अभी आंख में चोली का खेल खत्म ही कर देते हैं, बहुत हो गया बचपन। ओ, तुम यहां बैठी हो छत पे, नाइस प्लेस, हाँ खुली हवा, चांदनी रात, व्हाट अ वंडरफुल रोमांटिक सेटिंग है संध्या। तू छुपी है माता पर जबरदस्ती करता है, और तब जाके माता सेक्स एंजॉय करती है। ऐसा तुमने कहा था ना मुझसे, जी भर के नहा लूं बादलों से।